मैरियाना ट्रेंच, जो इंसानों द्वारा डिस्कवर किया गया अब तक का समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है, और हम इंसान समंदर की इतनी गहराई तक ही पहुंच पाए हैं। समंदर की गहराई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समंदर में डुबा दिया जाए तो फिर भी इसकी चोटी से समंदर की सतह की दूरी 2 किलोमीटर होगी, जहाँ तक हम इंसान आज तक पहुँच पाए हैं। लेकिन दोस्तों, समंदर की गहराई यही खत्म नहीं होती, इसके आगे हम इंसान पहुंच नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आप लोगों को समंदर की गहराई के बारे में बताएंगे और इन गहराई में क्या क्या राज छुपे हैं वो भी बताएंगे। समंदर की सतह से 40 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइविंग की जाती है। इससे नीचे उतरने पर 93 मीटर की गहराई में आरएमएस लुसिटेनिया का अवशेष मिलेगा, जो एक ब्रिटिश जहाज था जो सन 1915 को डूब गया था। इससे नीचे यानी कि 100 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करना बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हर्बर्ट नीस नाम के एक व्यक्ति ने 214 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन अहमद गैब्र नाम के एक स्कूबा डाइवर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इससे और गहराई यानी 443 मीटर की गहराई वो गहराई है जितनी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई है, जिसे न्यूयॉर्क का सबसे ऊंचा बिल्डिंग माना जाता है। शायद आप लोग इतने में ही घबरा गए हों, लेकिन दोस्तों घबराइए मत, ये तो बस शुरुआत है। चलिए आगे का सफर शुरू करते हैं। 500 मीटर की गहराई तक जाने पर वो जगह आती है जहाँ तक ब्लू व्हेल तैर पाती है। इससे नीचे ये व्हेल नहीं जा पाती, क्योंकि पानी में जितनी गहराई में जाते हैं पानी का दबाव उतना ही बढ़ता जाता है, और इतने गहराई में ही सी वुल्फ क्लास सबमरीन तैरती है। इससे और नीचे जाने पर यानी 535 मीटर की गहराई में पेंगुइन तैरते हैं। इसके बाद पहुंचते हैं उस गहराई तक यानी 830 मीटर जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की हाइट की जितनी है। क्यों, चौंक गए ना? इससे नीचे यानी कि 1000 मीटर की गहराई, जिसे द स्केरी जोन कहा जाता है, इसी गहराई के बाद सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, और इसी वजह से इस गहराई के बाद समंदर में अंधेरा छाया रहता है। इस पॉइंट पर पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि कोई भी इंसान पल भर में मर जाएगा। इसके और नीचे ऐसे विशालकाय जीव मौजूद है जो किसी भी बड़े से जहाज को आसानी से निगल सकते हैं। इससे नीचे यानी 1280 मीटर की गहराई में कछुए तैर सकते हैं। 2000 मीटर की गहराई में वो खतरनाक दानव रहते हैं जिसे ब्लैक ड्रैगन फिश कहते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस गहराई में घना अंधेरा होने के कारण इसे देख पाना नामुमकिन है, लेकिन अगर हम किसी भी तरह लाइट का बंदोबस्त कर सकें तो ये जीव कुछ ऐसा दिखता है जो काफी डरावना है। इससे और नीचे यानी 2250 मीटर पर वो गहराई है जहां स्पर्म व्हेल और जायंट स्क्विड पाए जाते हैं। वैसे जायंट स्क्विड का साइज 14 मीटर और इसका वजन 750 किलोग्राम तक होता है, और इसकी आंखों का साइज एक फुटबॉल जितना बड़ा होता है। तो इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये दानव कितना विशाल और खतरनाक है। 3800 मीटर वो गहराई है जहां पर हमें आरएमएस टाइटैनिक के अवशेष देखने को मिलेंगे। अब पहुंचते हैं 4000 मीटर की गहराई पर, जिसे एबिजल जोन कहा जाता है। इस गहराई में ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में जानकर हमारे होश उड़ जाएंगे, जैसे कि एंगलर फिश, वाइपर फिश, फैंग टूथ फिश। ये सब दानव बहुत ही ज्यादा खतरनाक जीव है। इसके बाद आती है समंदर की औसतन गहराई यानी कि 4267 मीटर। इसका मतलब ये कि आमतौर पर समंदर कहीं पर ज्यादा गहरा है तो कहीं पर कम गहरा है, और इसकी औसतन गहराई है 4267 मीटर। अब चलते हैं इसके और भी गहराई में। 4791 मीटर में हमें जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क का अवशेष देखने को मिलेगा। अब पहुंचते हैं 6000 मीटर की गहराई में, जिसे हैडल जोन कहा जाता है। समंदर की इस गहराई में पानी का प्रेशर सतह से 1100 गुना ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 50 जेट विमान को अपने सर पर उठा सकें तो जितना प्रेशर महसूस होगा, इस गहराई पर पानी का प्रेशर ठीक उतना ही है। और अगर कोई इंसान बिना प्रोटेक्शन के यहाँ चला जाता है तो कुछ ही सेकंड में ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतने गहराई के बाद भी समुद्री जीवों की स्थिति पाई जाती है। इससे नीचे यानी 6500 मीटर की गहराई में डीएसवी एल्विन तैर सकता है। डीएसवी एल्विन एक रिसर्चर सबमरीन है जिसने आरएमएस टाइटैनिक को ढूंढ निकाला था। इसके और नीचे यानी 8800 मीटर यानी कि वो गहराई आती है जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट की जितनी है। दोस्तों, ये सफर यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी गहराई में जाना बाकी है। 10898 मीटर ये वो गहराई है जहां तक जेम्स कैमरन, जो कि एक मशहूर हॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर हैं, वो साल 2012 में इस गहराई तक पहुंचने में सफल हुए थे। लेकिन इससे भी गहराई तक दो और लोग पहुँच चुके हैं। उनका नाम है डॉन वॉल्श और जैक स्पीकर, जो सन 1960 में अपनी सबमरीन को लेकर 10916 मीटर की गहराई तक जाने में सफल हुए थे। 5 घंटे के लंबे सफर के बाद वो दोनों इस गहराई तक पहुंच सके थे,
और वो लोग सिर्फ 20 मिनट ही उस गहराई में टिक पाए थे, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से उनके सबमरीन की खिड़कियों में दरार आने लगी थी और खतरा महसूस होने पर वो वापस लौट गए थे। इससे नीचे यानी कि 10,972 मीटर की गहराई पर हमें उतनी गहराई मिलती है जितनी हाइट पर कमर्शियल एरोप्लेन उड़ते हैं। 10,994 मीटर ये वो गहराई है जहाँ तक हम इंसान अब तक पहुँच सके हैं और यहीं तक का सफर इंसानों द्वारा अब तक किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक समंदर इससे भी ज्यादा गहरा है, लेकिन हम इंसान इससे आगे अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम इंसान समंदर की और भी गहराई तक पहुंच सकेंगे और नई नई चीजों को खोज सकेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर।